और अभी जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो मैं अभी एक प्रोजेक्ट के सामने खड़ा हूँ जिसका नाम है SKA। ये एक प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि आपका 5 एकड़ लैंड पर बना हुआ है, और इसके अंदर जो टोटल फ्लैट हैं वो 650 फ्लैट रहने वाले हैं, और उसके अंदर जो साइज रहने वाला है वो आपका 3 BHK और 4 BHK का सिर्फ साइज रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो सोसाइटी के अंदर ही आपको नीचे कमर्शियल मार्केट आपको मिल जाती है, जो डेली नीड का सामान आपको इसी सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाता है। बाकी इस सोसाइटी के अंदर क्या फैसिलिटी रहने वाली है तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सिर्फ रेंट पर्पज़ से। जिन लोगों को नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर्टी रेंट पर अगर लेनी है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विषम शर्मा और आप देख रहे हैं द फैमिली हेल्पर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सोसाइटी के अंदर मिलने वाली फैसिलिटी की, तो देखिए इसके अलग अलग टावर होने के कारण यहाँ पर आपको वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है सारे टावरों के अंदर। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको क्लब, जिम, स्विमिंग पूल और काफ़ी बड़ा आपको सोसाइटी के अंदर भी पार्क आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको एक टेम्पल भी सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएगा। और बात करता हूँ इस सोसाइटी के अंदर अगर आप फ्लैट रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दो ही साइज मिलते हैं, 3 BHK और 4 BHK, जिनका प्राइस स्टार्ट होता है 12,000 रुपये प्रति मंथ से लेके 20,000 रुपये प्रति मंथ तक का यहाँ पर रेंट आपका रहने वाला है। वो डिपेंड करता है आप किस फ्लोर पे ले रहे हैं, फ्लैट रो है या फुल फर्निश है, तो ये रेंट उस पर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस सोसाइटी की कनेक्टिविटी की, तो ये जो लोकेटेड है ये आपका सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लोकेटेड है, राजेश पायलट चौक के पास, और राजेश पायलट चौक से आपको बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आपको परी चौक भी जाना है यहाँ से, तो परी चौक जाने में आपको मात्र यहाँ से 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ गौर सिटी चौक, जहाँ आपको 14+ मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, उसकी दूरी भी यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की रहने वाली है। बाकी अगर आपको यहाँ से जाना है दिल्ली या गाज़ियाबाद, तो वहाँ के लिए भी आपको यहाँ से 15 से 25 मिनट की दूरी में आप इन लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। इस सोसाइटी के अंदर अगर आपको फ्लैट रेंट पर लेना है तो उसमें आपकी हेल्प करेगा रेंटपा, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आपका रेंट पे प्रॉपर्टी दिलाने का काम करता है, वो भी 0 ब्रोकरेज पर। तो स्क्रीन पे मैंने रेंटपा का नंबर दिया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, उनकी टीम से आप बात कर सकते हैं किस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर आप रेंट पे लेना चाहते हैं, तो वो सारी जानकारी आप रेंटपा पे कॉल करके ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।